असलम मेरा नाम सद्ला है और आज हम एक और स्टार्टअप ब्रांड कराची के पॉडकास्ट में और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं एंड ही इज़ वेरी फन एज वेल अभी थोड़ा बहुत हमने कपे लगाए इमरान अजहर हु इज़ द ई ओ ऑफ ए जी कॉर्प आई वॉन्ट टू नो मोर अवर एजी कॉर्प उसके बारे में वट डज़ इट डू वट यू गैज डू थैंक यू थैंक यू साहब पहले आपका बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने बुलाया इतनी प्यारी बिल्डिंग में इतनी पुरानी बिल्डिंग में ये कितनी पर, पहले मैं सवाल पूछ पूछूंगा कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये डेढ़ सौ से दो सौ साल इतनी खूबसूरत बिल्डिंग आपने रखी हुई है और लकड़ी और सब कुछ फर्श टेक इट्स गॉट सो मच कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी सो थैंक यू फॉर फॉर ब्रिंगिंग मी एंड मेकिंग मी डिस्कवर दिस जूल आंडीगढ़ रोड में तो एज कॉप एंटरटेनमेंट बेसिकली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है और था इज टू क्रिएट लोकल स्टोरीज कैटेडिव स्टोरीज लोकल कहानियाँ जो कि हम लोग रिलेट कर सकें और साथ साथ होपफुली uh, वो बाहर के मुल्कों में भी रेजोनेट हों तो और वो क्यों के क्यों मुझे uh, एक तो सेल्फिश रीज़न ये था कि जब मैं आई वॉज ग्रोइंग अप सो वेर आई वॉज ग्रोइंग अप आई हैड ओनली कॉमिक बुक्स टू रीड तो मैं सब कॉमिक बुक्स पढ़ता हूँ जमाने में कुछ और था नहीं ना यूट्यूब था ना इंटरनेट था तो कॉमिक बुक्स उसके बाद बुक्स नावल्स ऑबियसली लेकिन कॉमेड बुक्स बिकेम माई प्लेस टू स्केप तो वो मैंने बड़े शौक से पढ़ी uh, और उसके बाद फिर आ, साथ सा जब मैं कॉमेड बुक्स पढ़ रहा था तो उस ज़माने में मैंने इमरान सीरीज़ इबन सफ़ी की एक आ, अच्छा मज़े की बात है आपको लाजमी देखना है साथ आ, इबन सफ़ी की इमरान सीरीज़ तो इमरान सीरीज़ वॉज लाइक आवर वर्जन ऑफ इन फ्लेमिंग की जेन्स बॉन्ड और चूँकि हर कोई पढ़ता था यानी कि इबन सफ़ी इज़ एन आइकॉन इमरान सीरीज इज़ एन आईकॉनिक ब्रांड तो जब मैं पढ़ता था मैं तो मैं बड़ा सोचता था कि यार इमरान सीरीज़ की कॉमिक बुक्स क्यों नहीं है इट्स लाइक so uh, like um, क्या बोलेंगे जैसे बहुत से डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं मेरा जेंस मॉन तो, तो मैंने ऐसे बोल दिया लेकिन जैसे आप इवन मार्वल का देख लें आप आयरन मैन देख लें कैप्टन अमेरिका देख लें या बैटमैन देख लें डाक नाइडे देख लें उनकी कॉमिक बुक्स हैं और वो कहानियाँ चलती रहती हैं जैसे शर्लोक होम्स है शर्लोक हाँ। होम्स की अपनी कहानियाँ हैं जो तो पहले नॉवल्स बनी फिर वो कॉमिक बुक्स में आई फिर उसके बाद वो टी वी सीरीज़ में आई मूवीज़ में आई तो मुझे होता था कि इमरान सीरीज़ की क्यों नहीं है साथ साथ मैं अपनी कॉमिक बुक्स पढ़ता रहा शौक़ ख़त्म नहीं हुआ फिर मैंने इश्ताक अहमद एक हमारे बड़े मशहूर ऑथर हैं उनकी कहानियाँ पढ़ना शुरू की मिस्ट्रीज़ की फिर मुझे हुआ कि उनकी कॉमिक बुक्स क्यों नहीं है बिकॉज आई आई वुड लाइक टू विजलाइज इन एंड आई वो सी माई करेक्टर्स माई फेवरेट करेक्टर्स तो एक तो वो बात थी शुरू से जब मैं आई वॉज ग्रोइंग अप फिर दूसरा मैं आ, आ, अपनी पिछली ज़िंदगी में आई स्टूडेंट तो होटल्स एंड रिजॉर्ट्स तो मैं फिर जब बाहर पढ़ने गया फिर मैं तकरीबन 20 साल बाहर ही रहा डिफरेंट मुल्कों में तो मुझे बस ये होता था कि भाई यू नो लोकल कंटेंट हमारा किधर है फिर मेरे कुछ दोस्त थे उनके बच्चे होते थे तो उनको मैं क्या तोहफ़ा दूँ पाकिस्तान से तो मेरा हमेशा ही ख्वाहिश होती थी कि मैं ऐसी चीज़ दूँ जो कि वो पाकिस्तान के बारे में तो काफ़ी चीज़ें दी मैंने लेकिन तो एक वो छोटा सा टच पॉइंट था आ, तो करते करते जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैंने कहा कि मैंने होटल्स में काम नहीं करना और मैंने बेसिकली ये कंपनी खोलनी है एस्कोप एंटरटेनमेंट तो हम हमने कहा था कि हम मार्वल डिज्नी का हम हम लेंगे बिजनेस मॉडल लेंगे कि हम कंटेंट बनाएंगे उसके बाद उसको लाइसेंस करेंगे आ, फिर हमने कॉमिक बुक्स बनाएं ऑडियो स्टोरीज बनाई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हम लोगों ने आ, एक हमने टी शो भी बनाया अभी सिंधी में बच्चों के लिए जो कि इंटीरियर सिंह में चलाए तो आइडिया यह था कि एक तो एंटरटेनमेंट करें दूसरा एडर्टेनमेंट करें कि एंटरटेनिंग कंटेंट उसके अंदर कैसे हम अवेयरनेस लेके आ सकते हैं क्या एजुकेशन कर सकते हैं लेकिन विदाउट बीइंग प्रीची नो बड़ी वॉन्ट्स टू बी टोल्ड लेस शो एंड नॉट टेल तो उस पर हमने काम किया तो मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था अभी भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अब हो गया मगर इतना भी नहीं है ना कभी मैंने कॉमे बुक्स या कोई मैंने चीज़ लिखी है ना मुझे कोई एक्सपीरियंस है पब्लिकेशन का एक्सपीरियंस है ना मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस है ना मेरे कोई लाइसेंसिंग को और फ्रेंचाइजिंग का एक्सपीरियंस है बस ये शौक था जिसकी वजह से मैंने काम शुरू कर दिया और अल्लाह का शुक्र है चल रहा है हम लोग सौ सौ पर कॉमे बुक्स बना चुके हैं चार टाइटल्स हम लॉन्च कर सकें पांचवा भी हमने बोर्ड गेम लॉन्च कर दिया है फिर हमारे तकरीबन 70 एटी के करीब हमारी ऑडियो स्टोरीज़ हैं जो कि एफ एम चैनल पर चली हैं पाकिस्तान में चली हैं जो कतर में चली हैं यू के में चली हैं अमेरिका में चली हैं और फीजी आइलेज में चली हैं उस स्टेशन में जो कि वो एशियन और देसी आ, आ, उनकी जो राइस पोरा है हमारा उनको कैटर करता है ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में तो काफ़ी जगह चली है हमारी फिर हमारे कॉमिक बुक्स अमेज़ॉन में बिक रही हैं अल्लाह का शुक्र है शिवा भी बिक्री है फिर हमने हमारा नाम है उसका चैनल का गिक्स रिपब्लिक तो, तो गिक्स रिपब्लिक जो अमेज़ॉन पर है वो यूके में बिक रही हैं कॉमिक बुक्स अमेरिका में बिक रही हैं यूरोप में बिक रही हैं काफ़ी जगह बिक रही हैं और उसके साथ साथ अब हम एनिमेशन की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे हम फुल आ, फुल ऐसे फॉर्मेट टी वी सीरीज और मूवी एनिमेटेड पर कैसे जाएँ हम लोग तो वो हम देख रहे हैं um, एक हमारे कॉमिक बुक सीरीज टीम मुहाफिज़ हैज बिन लाइसेंस्ड और इन शह हाँ, इस साल आप देखेंगे कि वो एनिमेटेड सीरीज में आएगी उसके बारे में शायद आपने इसका ट्रेलर शायद लॉन्च हो चुका है नहीं 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 उसका नाम क्योंकि सुना होगा नहीं नहीं एक तो है तीन बहादुर अच्छा फर्स्ट हाँ। so एनिमेटेड मूवी फ्रॉम पाकिस्तान जो कि वादी एनिमेशन ने बनाई थी तो उन्होंने टीम बनाई बड़ी अच्छी अच्छी अब तो माशा हमारा आ, क्या बोलते हैं काफ़ी लोग उस पर काम कर रहे हैं उसमें थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड प्रोडक्शन है स्टूडियोज है जो इस्लाम में बना रहा है दानियल, दानियल जो है वो वक्रा स्टूडियो कैसे बातें बन रही हैं फिर अभी हमारी एक बहुत ही मजेदार अराफात एक अमेजिंग काम कर रहे हैं उनकी इनकी टीम काम कर रही है जो कि आई थिंक आप अल्लाह करे कि वो ऑस्कर में नॉमिनेट हो जाए अल्लाह करे तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है हमारे यहाँ पे तो तो ऐस तो, तो को आपका काम ये अब आप, आप थिंक ऑफ इट एज़ अ मार्वल एंड डिजनिंग ऑफ पाकिस्तान वी एस्पायर टू बी दैट इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह ताला त होगा नहीं होगा तो कोशिश जरूर करेंगे नहीं नहीं बिल्कुल तो एक सवाल आपकी इस पता चला कि

तो मेरे सबसे बड़े भाई हैं जो कि वो इज uh, अच्छा इज नाउट रिटायर्ड बट ही तो वो कभी कनाडा में कभी पेरिस में कभी वेस्ट इंडीज में तो एयरलाइन नहीं, नहीं, पायलट <laughs> <banker, banker, laughs> uh, sure तो वो उस जमाने में टोरंटो में थे तो फॉर एट दैट टाइम बी एक बैंक होता mm -hmm. था uh, तो उसके लिए काम कर रहे थे तो Uh, उस जमाने में मेरे ज़माने में स्पेशली आपने या डॉक्टर बनना है या आपने एम बी ए करना है या आपने इंजीनियर बनना है या आपने सी ए करना है उसके अलावा कुछ कुछ नहीं कर सकते आप बड़ा प्रेशर था कोई कुछ ज़्यादा यूनिवर्सिटीज <laughs> नहीं थी और मैं पढ़ाई में हमेशा कभी अच्छा नहीं था पढ़ाई में हमेशा बहुत ही पीछे था तो सेंट पैट से बी कॉम किया बी कॉम uh, किया और बी कॉम करने से पहले मैंने आ, लोगों ने कहा था जी आईबी का टेस्ट दें एंट्रेंस टेस्ट दें बिकॉज आपको एक बार आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो जब मैंने वो दिया तो मैं फेल हो गया तो दूसरी बार दिया फिर भी फेल हो गया तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ भाई आ, तो फिर मैंने कहा कि चलो सी ए सी ए मेरे भाई वहाँ पर है और वहाँ से आर्टिकलशिप हमें मिल जाएगी एफ गॉट प्राइस वॉटर हाउस थी कौन सी तो थी तो बेसिकली ठीक आप कैनडा जाके मैं सी ए करूँगा सी चार्टर अकाउंटेंटी जाके हाँ वो भी इसलिए क्योंकि वो आर्टिकल शिप थी वहाँ पर मिल रही थी आर्टिकल शिप आपका पढ़े करें वो करें तो यानी कि कोई ऑप्शन नहीं थे मेरे पास और पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो एनी दैट चेंजेस वेन अब्रॉड तो फिर उसके बाद फिर मैं मेरे और दो दोस्त बड़े अच्छे दोस्त हैं तो एक जा रहा था अमेरिका जा रहा था एक जा रहा था, जा रहा था यूके पढ़ने जा रहा था तो हमने कहा चलो यार उस जमाने में बड़ी बड़ी नई नई फिल्में आती थी टीन एजर्स की वो ट्रैवलिंग हो रही है ये और वो है हम वी सी आर लगा के देखते थे हमने कहा चलो हम भी ट्रैवलिंग करते हैं उस जमाने मॉलिवस का जो टिकट था वीज़ा वीजा, वीजा को था नहीं टिकट पाँच हज़ार रुपये का था या छः हज़ार रुपये का था रिटर्न आराम का हम चलते हैं थोड़े बहुत पैसे जेब में थे हम लोग मॉडीव्स चले गए तीनों मॉलिवस गए वहाँ पर जाके मैं मैंने देखा रिजॉर्ट्स मैंने देखा ब्यूटिफुल इंडियन ओशन आ, लाइफ देखी वहाँ पर लोग आराम से बैठे हुए हैं याशी चल रही है मेरा ये कौन ये कौन सा काम है ये तो याशी का काम है मैं वापस आया मैं वापस आया, मैं आया मैंने अम्मा अब्बा को बोला कि जी मैंने तो सी ए शी ए नहीं करना भाई मैंने तो होटल मैनेजमेंट करनी है तो अब्बा ने कहा कि तुम्हारे दिमाग सही है तुम क्या बहरे बनोगे क्या बावरची बनोगे मैंने कहा नहीं जी मुझे करना है सो माय फादर सेड ओके इसका जो बुखार उतर जाएगा तो उस ज़माने में नहीं anyway, मैं उन्होंने कहा पैसे नहीं है भाई सो आई कम फ्रॉम हम्बल बैक ग्राउंड पैसे से नहीं है तो खुद ही करना पड़ेगा देख लो तो उस वक्त मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा शेफ़ महबूब जो बड़ा मशहूर शेफ़ है तो ही वॉज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग दर जो कि मोवन पे के अच्छा ही सेट किया वहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एक वो आती है बड़े कम लोग होते हैं उसमें तो टेस्ट देना पड़ेगा इंटरव्यू देना पड़ेगा ट्राई करो तो मैं गया वहाँ पे और मेरा अल्लाह का शुक्र है मेरा एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो गया दो साल के लिए विच मेक्स यू दे मेक यू गो थ्रू ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मेक यू वर्क लाइक क्रेजी बट एट द सेम टाइम दे दे काउंसिल यू दे मैंटो यू एंड दे टीच यू तो जमाने उस अ वेरी कोविटेड काइंड ऑफ थिंग टू गेट तो मुझे mm -hmm. मिल गया माई फादर ऑलसो थाट के अला में हमको जन्नत नसीब करे कि भाई ये दो, दो दिन बाथरूम साफ करेगा लॉन्ड्री में काम करेगा बैरा बनेगा <laughs> खुद ही बुखार उतर जाएगा वो बुखार नहीं उतरा वो वो पैशन बन गया मेरा फिर ऐसा अप्लाइंग फॉर डिफरेंट स्कॉलरशिप मेरे पैसे नहीं थे एंड दे वेरी एक्सपेंसिव होटल दैरी एक्सपेंसिव तो मैंने कोशिश की कोशिश की कोशिश की दैन आई गॉट आ पार्शल स्कॉलरशिप टू इन साल्सबर्ग ऑस्ट्रिया में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है उनका आ, तो आई टी एच थ्रू उनकी यूनिवर्सिटी युनि, ऑफ सालसबर्ग के हुँ. तो तो पाशल स्कॉलरशिप मिली थी देन आई वेंट ओवर दे वहाँ जाके फिर मैंने पढ़ाई करना शुरू की तो मैं पह, पहले उनके दो साल के कोर्स में गया था लेकिन वहाँ पे जब मेरे मैंने एग्जाम देना शुरू किए तो आई वॉज बहुत एक्सेल कर रहा था अच्छा तो कहा तुम मेरे ख्याल से तुम गलत यू शुड बी एडवांस जो चार साल का कोर्स है तो मैं वहाँ उसमें होना चाहिए क्योंकि तुम तुम्हारे पहले टर्म में सारे तुम काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर रहे हो एंड डी नो इट बिकॉज मैं शर्ट में काम किया था तो मुझे वहाँ की ट्रेनिंग व्रेनिंग ये oh, वो एंड और मुझे फिर बी के भी कुछ मुझे मिल गए थे क्रेडिट्स मिल गए थे और साथ साथ जो मैंने दो साल की जो मैंने ट्रेनिंग की थी उसकी वजह से मुझे वहाँ पे यूरोप में होता है प्रैक्टिकाट जाकर इंटर्नशिप वो करनी पड़ती है तीन तीन आ, महीने करनी पड़ती है आपको हर साल चार साल के लिए तो मेरी वो भी माफ़ हो गई थी बिकॉज आई हैड डन दो साल की मैं ट्रेनिंग तो फिर मुझे उन्हें कहा आप सीधा सीधा वो चार साल के चले जाएँ वो दो साल में आपका हो जाएगा सो आई डिड दैट और जब मैंने सासबक से ख़त्म कर लिया तो स्ट्रावट uh, होटल्स जो कि अब मैरियट है तो वहाँ से मैंने अप्लाई किया तो मुझे ऑफर आ गई सऊदी अरब में रियाद में रियाद शहरेठन में एंड देन आई वेंट टू रियाद शहरेठन वहाँ पर मैं दो बार गया उसके बाद देन आई वेंट टू लॉट ऑफ प्लेसेस कायरो फिर सीरिया भी गया टास्क uh, फोर्स पे केप टाउन भी गया एंड साउथ अफ्रीका उसके बाद फिर देन आई वेंट टू जॉर्डन जॉर्डन फिर इजिप्ट Then I was in Africa for a long time, Nigeria. Tha, then I went, wow. to, but I did a lot of uh, task force, in, in, especially in, uh, in West Africa and in South Africa. And then I did also some. Uh, then I last my post was in a beautiful Indian Ocean. Maldives yeah. journey and then I was posted for two and a half years in uh, islands of Seychelles. जनरल मैनेजर ऑफ अल्लाह शुक्र है मैं बहुत जल्दी बहुत यंग मैं जनरल मैनेजर बन गया एंड आई क्या उम्र मेरी उस वक्त उम्र थी लेट थर्टीज में और उस जमाने में उस जमाने में अ फाइव स्टार होटल रिजॉर्ट उस जमाने में यानी कि अब तो बहुत यंग माशा बनने शुरू हो गए और काफी नए लोग आना शुरू हो गए उस जमाने में मिड फोर्टीज़ लेट फोटीज़ में आप यूजली मैनेजर बनेंगे तो मैं लेट थर्टीज में बन गया और uh, तो आई वॉज वेरी लकी तो एनी वे कन्नी का लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट काफ़ी लंबी हो गई सॉरी तो तो वो कहानी ख़त्म हुई तो फिर साथ साथ फिर वो मैं बीस साल से बाहर था और साथ साथ मेरा मूड था कि अब आई वॉन्ट टू बी क्रिएटिव आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग मैंने कहा मैंने जनरल मैनेजर बनना था बन गया hmm. टेशन मारने थे मार <laughs> लिए uh, बड़ी यंग uh, एज में और यू नो आई ट्रेवल द वर्ल्ड क्योंकि हमारी फिर हेड ऑफिस हमारा न्यूयॉर्क में था वाइट प्लेस में था हमारा डिविजनल ऑफिस ब्रसल्स में था उससे पहले पैरिस में था तो ट्रैवलिंग भी बहुत होती थी एंड आई अ रीजनल ट्रेनर ऑल्सो ऑफ अट्टाट तो उस तो ट्रेनिंग की वजह से मैं कभी यहाँ जा रहा हूँ कभी वहाँ जा रहा हूँ कभी वहाँ जा रहा हूँ तो मैंने कहा सब कुछ हो गया यू नो आई वो टू क्रिएट समथिंग तो मुझे ऑफ फीलिंग के व्हाट्स नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट फिर साथ ही मेरी वालदा की भी तबीयत खराब हो गई थी तो, uh, तो मेरे भाई ने आई I मीन mean, तो शी हैड नॉट टू मच टाइम तो एनी anyway, वे तो सब कुछ चीज़ें मिला मिला के देन आई मूव बैक टू पाकिस्तान बीस साल के बाद कमिंग फ्रॉम सेश टू पाकिस्तान कोई मतलब वो बाप गल्टी फील नहीं होता कि मैं यहाँ पे ऐसे एस शहर में रह रहा हूँ एक जन्नत सी जगह नहीं देखिए पहली बात तो ये जितनी भी बड़ी जन्नत हो ना वो छः महीने के बाद जन्नत खत्म तो जब मैं सेश में था और मैं शुरू शुरू आया मैंने कहा बड़ा खुश हुआ कि यार मैं यारिडियन रिजॉर्ट का जनरल मैनेजर हूँ इतना बड़ा रिजॉर्ट है यानी कि प्राइम लोकेशन ब्यूटिफुल प्लेस यहाँ पे लोग लाखों पैसे दे के थाउजेंड ऑफ डॉलर्स दे के ते हैं छुट्टियों पे मैं फ्री में वहाँ पे हूँ बड़ी टोर है वो छह महीने के खत्म हो गया आई नॉट इवन लुक एट द मैं सीधा गाड़ी चलाता था बैठ के आता था और वो देखिये कराची और बड़े शहरों की के मजे अलग है बिल्कुल कराची बड़ा शहर है हैपनिंग है। है उसकी जो 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 जो, बज उसका उसके इसकी स्पिरिट है हाँ। वो ये कहते हैं ना कि एक छोटे शहर से जब बंदा न्यूयॉर्क जाता है अमेरिका में रहने तो वो कोप अप नहीं कर पाता क्योंकि इतना कुछ हो रहा होता है बिल्कुल वो वो इस लॉट ऑफ एनर्जी फिर मैं कायरो में था कायरो भी बहुत बड़ा शहर कराची के आई वाज इन जॉर्डन अमान में था बड़ा शहर रियाद बड़ा शहर देन आई वाज इन यू नो लॉट रिया अबूजा तो वो शीशा वाज गुड एंजॉय किया मैंने लेकिन छः महीने के बाद वो जो उसकी होती ना उसकी जो एक तरह की नॉबल्टी होती है वो खत्म हो गई फायदा मेरा शीशाज का सिर्फ एक और ये हुआ कि मेरे सारे दोस्त पाकिस्तान के और बाहर के सब मिलने हैं। तो मैं ढाई साल वहाँ था और ढाई साल में हर महीने कोई ना कोई मेरे दोस्त मेरे घर रहने आ रहे थे मेरे पास आ रहे थे क्योंकि हम आ जाए आ जाओ आ जाए आ जाओ तो इतने पुराने दोस्तों से काफ़ी मुलाकात हो गई मेरी तो वे गुड एक्सपीरियंस इन सी अब मुझे काश अभी भी आप रह, रह, रह तो रहे होते अभी भी मेरे दोस्त, दोस्त कहते हैं तुम तो क्या यहाँ पे आके कार्टून बनाना शुरू कर दिया तुम्हारी तो अच्छी जॉब थी उसी बहाने हमारे फ्री के ट्रिप्स निकलते थे चले सो यू कमिंग फ्रॉम अ होटल बैकग्राउंड

और बड़ी टीम हुई मेरी टीम बड़ी अच्छी मुझे मिली उनसे काफ़ी सीखा फिर लोगों से सीखा और पाकिस्तान आने से पहले मैंने काफ़ी लोगों से बहुत ही रिसर्च की थी रिसर्च अलग चीज़ होती है आई थिंक डूइंग एक्सपेरिमेंट्स डूइंग एंड लर्निंग इज़ डिफरेंट एंड लर्निंग बाई डूइंग इज द बेस्ट फॉर मी इज़ द बेस्ट ऑप्शन लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च की मैं सेंडिगो ऑमेकॉन गया पाकिस्तान शिफ्ट होने से पहले मैं ब्रसल्स में बहुत बड़ा होता है लूका होता है इटली में एल्गोम होता है फ्रांस में न्यूयॉर्क कॉमिकॉन Hmm. उसके अलावा मैं काफ़ी कॉमिक कॉन्स में गया ईस्ट कॉमिक कॉन पहला हुआ था दुबई में जब मैं बाहर था वहाँ भी मैं गया था तो आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल तेरह में तो हाँ ते, तेरह से शुरू हुआ था जो कि छोटे से वेस्टर्न छोटा सेमिकॉन में ऊपर भी था नीचे भी जगह छोटी जगह में उसके बाद से उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई एक्सपो में करना शुरू कर दिया था वो पहला था छोटा था तो उस वक्त दो हज़ार तेरह में आई वो फ्लू फॉर लाइक थ्री फोर डेज दुबई से साढ़े दुबई साढ़े चार घंटे की फ्लाइट थी मैं वहाँ गया कॉमिकॉन्न देखा लोगों से बातें कर दी किन है फ्लू बैक मेरी भी ना कॉमिकॉन मेरे लिए क्योंकि मेरे पाकिस्तान से बाहर सबसे फैसिनेटिंग हुई था क्योंकि मैं उस वक्त ग्यारह साल का था और मेरे अब्बा मुझे पकड़ के ले गए थे और वहां जाके वो बंदा जिसने बेंटेन की आवाज जिसकी थी और सारे कैरेक्टर्स जो मैं टीवी पे देखता था एकदम से वो रियल लाइफ में तो इट वाज अगेन कॉमिक कॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान में हाँ। अगेन जो हो रहा है और अब इंशाल्लाह इनकी जो एक डीसी आने वाला है नहीं नहीं डीसी नहीं मार्वल मावल में कुछ कॉमे बुक्स पसंद थी लेकिन डी सी बिगर फैन ऑफ डी सी लेकिन अभी देखें एम सी यू माशा बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं लेकिन एनी anyway, वे तो आई वॉन्ट बिलीव दटनेस ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटिंग इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वैल्यू विच होपली कैन बी फ्रेंचाइज आउटसाइड पाकिस्तान बिल्डिंग कॉन्टेंट अब वो कॉन्टेंट और इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी भी फॉर्मेट में हो वाई कॉमे बुक्स बुक देवर द चीपेस्ट वे टू टेस्ट द मार्केट एंड टू रीड ट्वीट एंड ट्वीट योर कॉन्टेंट इन योर आई पी और आपको वो वंज्यूमर्स वो, वो के रिएक्शन में चल जाते हैं आपको सो द फॉर मी द इजिएस्ट एंड द चीपेस्ट वे टू टेस्ट योर इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉज लेट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग माई बुक्स फर्स्ट एंड देन गो इन टू डिफरेंट थिंग्स तो बस आसान नहीं था लेकिन दोस्तों लोगों ने हेल्प की टीम ने हेल्प की रिसर्च की काम किया इसी का बहुत गलतियाँ की इतनी गलतियाँ की मैं आपको क्या बताऊँ इन पाँच छः सालों में मैंने बड़ी गलतियाँ की से सीखता और और कौन सी सिखाने की लर्निंग का भी बहुत उपलब्ध हाँ। तो आ, एक जो कॉमिक बुक सुन के और आपने कहा डिज़ाइनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला आपने बात करी तो अब ज़्यादातर स्टार्टअप्स को बहुत मसला आता है कि उनके पास आ, पैसे कहाँ से आएँगे

सॉरी नहीं आप तो देखें पैसों का जो चक्कर है देखिए मैं आपको बताता हूँ ये बड़ा अच्छा लगता लो है लोग कहते हैं यार एसकॉप एंटेमेंट माशाला पाँच छः साल से चल रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है देखिए बहुत मस्त हैं कभी कभार तो कि नेक्स्ट मंथ के सैलरी देने के पैसे नहीं है भाई आधी सैलरी अभी कोविड में तो इतना बुरा हाल हुआ है हमारा इतना बुरा हाल हुआ है वी वर ऑलमोस्ट बैंक हमारे दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो गायब हो गए एक हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो नहीं आई आई मीन वी वर रियली इन मार्च 2020 में आई थिंक इज वन ऑफ द वर्स्ट डिप ऑफ द कंपनी एनी वे आपके सवाल का जवाब कर दे दूँ कि पैसे कैसे आएंगे देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप जो मैंने गलती की let's talk अबाउट मी मैंने सबसे बढ़िया गलती की मैं बहुत छाती फुला के आया कि भाई मैंने जो यू नो इतना बाहर काम किया है प्लस मुझे कंपनी ने एनसीआर भी भेजा वहाँ पे मैंने चार साल एनसीआर में उन्होंने मुझे सीियर जो जो एग्जेक्यूटिव कोर्सेस करवाए फिर मैं स्टैंडर्ड में मुझे भेजा फिर मुझे ई सी एक ब्रसल्स में वहाँ मैं बड़ा गया हूँ पाँच छः साल गया हूँ मुझे कहा कंपनी ने के खाते हुए गया हूँ मैं तो मेरी परफॉर्मेंस वॉज़ वेरी गुड इन इन माई होटल इंडस्ट्री आई वॉज माशा का शुक्र है विद गॉड्स ग्रेस आई वॉज माई जो एवेल्यूशन होती थी हर साल वो होती थी आउट स्टैंडिंग आई वुड गेट ऑल द गोल्स ऑल माई ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पीपल्स गोल सारे गोल तो मैं बड़ी छाती फुली हुई थी कि मैंने रिसर्च भी कर ली है आई नो माई शिट एंड आई एल के डन तो जब यहाँ पे आया एक नया कारोबार शुरू किया नया बिजनेस शुरू किया तो मैंने बड़ी गलतियाँ की पहली गलती थी मैंने ये देखी मैंने एक बहुत प्यारा सा सोल्यूशन बना लिया लोकल हीरोज़ कॉमिक बुक्स लोकल स्टोरीज़ हुबल वतनी नहीं माई फ्रेंड दे वॉज नो प्रॉब्लम आई मेड अ सल्यूशन अ ब्यूटिफुल सल्यूशन एंड देन आस आर लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम खटका रहा था हर जगह कि जी आपको प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम है आपको लोकल हीरोज की हीरो चाहिए जैसे लोगों को अच्छा कॉन्टेंट चाहिए okay. अच्छी स्टोरी टेलिंग चाहिए Uh, कितने कब तक मैं लेवरेज uh, करता रहूँगा कि जी लोकल हीरोज पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी इट नीज टू बी ऑफ सम वैल्यू बिल्कुल इफ़ इट नॉट अ वैल्यू वाई वुड अ कंज्यूमर बाय समथिंग थिंग आई एम सेलिंग तो पहला सबसे बड़ा मिस्टेक मैंने जो किया मैंने एक बहुत बड़ा सोल्यूशन बनाया जिसके कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी फिर मैंने बहुत इटरेशन बहुत किए देन पहला था कि हम कंटेंट बनाएंगे उसको सब लाइसेंस करेंगे फिर देखा कि यह पब्लिकेशन यहाँ पे नहीं है तो मीन्स कि आई हैव टू बिकेम सेल्फ पब्लिशर कोई प्लान नहीं था हमारा फिर डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आ था फिर वी बिकेम डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर सेल्फ देन फुलफिलमेंट आवर सेल्फ फिर अपने वेबसाइट पे भी कॉमी बुक्स लगा दी फिर उस ज़माने में 2014 में जब मैं आया मैं हर बैंक में गया जगह गया पेमेंट गेट पर पे गई था मुझे पेमेंट गेट पे कोई अच्छी इंटीग्रेशन नहीं थी प्लस मुझे फिर बाहर से जो राइस पड़ा था वो कहते हैं हमें पेपैल के थ्रू खरीदना है बिकॉज हम हम सॉफ्ट कॉपीज भी बेचते हैं कॉमी बुक्स की फिर पेपैल की कोई इंटीग्रेशन नहीं है फिर हमने बड़ी मुश्किलों से कर कर आके भाई टू चेक आउट हमने 2014 में सब कुछ चेक चेक करने के बाद हमने कहा कि टू चेक आउट लो इवन दिस मोर एक्सपेंसिव hmm. हमने उसकी पेमेंट गेट पेमेंट गेटवे पे की इंटीग्रेशन कराई देन दे आर लॉट ऑफ अदर इशूज़ वी हैव टू इटरेट चेंज ऑफ बिजनेस मॉडल चेंज इटरेट करने करने के बाद हमने अलग शुक्र है थोड़ा बहुत हमने काम शुरू किया और काम हो रहा है तो पहली गलती मेरी है थी तो देखें पैसे अच्छा मैं एक बड़ी क्लिशी वाली बात करने वाला हूँ आप लोग बोलेंगे ये हर कोई आता है बड़ी क्लिशी वाली बातें तो करता है लोग कहते हैं ना कि भाई सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड मनी विल फॉलो लेकिन यकीन माने मेरे छोटे से एक्सपीरियंस में दैट्स ट्रू इट इज वेरी ट्रू कि प्रॉब्लम बड़ी होनी चाहिए प्रॉब्लम ऑथेंटिक होनी चाहिए सोल्यूशन जो आप देखना चाह रहे हैं वो एंड यूजर को सोचते हुए समझते हुए उनसे बात करने के बाद होनी चाहिए तो ये बातें जो करते हैं ना बस वर्ड डिज़ाइन थिंकिंग और ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन मेथोडोलॉजी इज रियल फॉर 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 अ रीज़न तो प्रॉब्लम आप देखें प्रॉब्लम कौन सी है उसकी सोल्यूशन जो आप हाँ बना रहे हैं वो एक तो आप देखेंगे सही सोल्यूशन बना रहे हैं hmm. सही प्राइस पे बना रहे हैं और सही टाइम पे बना रहे हैं टाइमिंग इज़ ऑल्स वेरी इंपॉर्टेंट तो फिर फिर पैसा आता है तो मैंने ये गलतियाँ की मैंने ना अपने प्रॉब्लम देखी मैंने ना टाइमिंग देखी और मैंने कहा मैं आ गया छाती फुला के दैट वॉज अस्टेक आई लर्न माई लेसन एंड तो दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि अच्छा हर बिजनेस कुछ ज़रूरी नहीं कि के, के वो इन, उसमें इन्वेस्टमेंट आए बिल्कुल एन एवरी बिजनेस नॉट स्टार्टअप तो पहली बात ये देखनी चाहिए कि ये नहीं कि हर बिजनेस से इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए और हर में ये होना चाहिए देखना आपको देखना है कि जी आप पैशनेट हैं उस प्रॉब्लम के बारे में यू रियली वॉन्ट टू लिटरली डाइव डीप इन इट एंड देन फाइंड द राइट सोलूशन यार फिर छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट्स करें वही आप जो पहले बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंट्स करें तो अभी हमने सीख लिया कि हम बच्चों के साथ स्कूलों में पूरे पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं तकरीबन 400-500 पाँच स्कूलों में काम कर रहे हैं उनके साथ वीडियो लॉड ऑफ इंटरवेंशन विद दें हमने मई हीरो की कॉमी बुक्स बनाई आई माई हीरो जो कि बेसिकली इज़ इंस्पायर्ड बाई जोजफ़ कैम्ब जर्नी ऑफ अ हीरो और ह्यूमन सैनिट डिजाइन एफलॉजी उसका प्रोसेस लेके जाते हैं दो हमने पंद्रह से स्टार्ट लॉन्च किया तकरीबन तो साढ़े तीन सौ चार सौ स्कूलों में हम लॉन्च कर चुके हैं जहाँ पे बच्चे खुद अपनी अपने हीरो बनाते हैं और खुद कहानियाँ बनाते हैं और खुद उसकी सजेशन ढूंढते हैं तो दे मेक दे बेसिकली वी हेल्प देम तो बेसिकली हाँ हमने लियारी में गए थे हमने कहा कि अगर लियारी का सुपर हीरो अगर तुम होते लियारी के सुपर हीरो होते तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते कौन से पावर्स तुमको चाहिए होते उनको कैसे यूज़ करते Uh, मगर दो शर्तें होती हैं इसमें एक तो हीरो लड़का एक लड़की होगा सब बंदा नहीं हो सकता दूसरा जो जो पावर होंगे सोल्यूशन होगा इट कॉन्ट भी वायलेंस के नॉट बी द आंसर टू अ वायलेंस लॉज ऑफ द कंट्री को देखते हुए कम्युनिटी को देखते हुए हाउ कैन इ लेवर द कम्युनिटी एंड डू इट पर बच्चों ने अपनी कम्यूट बुजाना शुरू की लियारी के बच्चों ने बोला हमारा हीरो जो है वो गैंग वॉर से लड़ेगा <laughs> शिलंजिया कॉलोनी के बच्चों ने बोला कि ड्रग लॉर्ड्स हैं या यहाँ पे ड्रग्स बिकती हैं फिर बच्चे नाम लेना शुरू कर दिए हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं नाम लेना ना शुरू कर दिए जी ये वो हम भाई नाम ना लो तो तुम लोगों भी मसोगे हम भी फंसेंगे हमने फिर वो डिलीट सब कुछ किया मैंने कहा जी बच्चों नाम ना लो भाई नहीं जी ये वो हैं एक्स वाई जी हैं वहाँ पे बेचते हैं ये वहाँ वो है वो मतलब वो दुकान वाला है वो पीछे वो बेचता है ड्रग्स बेचता है हमने कहा भाई ऐसा ना करो तो आ, 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 एस एस विलेज मलिर में बच्चों ने बोला बड़ी मज़ेदार बात जो हमें नहीं मालूम थी हमारा जो हीरो है वो गार्बिज माफिया से लड़ेगा लाइक इन इटली तो वो कह रहे थे उन्होंने बताया कि जी वहाँ की रोडों पे के एम के ट्रक को नहीं आने देते वो लोग जब तक वो दुकान वाले उस रोड के जगह के भत्ता ना दें तो भत्ता मिलता है उनके जहाँ पर गैंग वालों को तो फिर वो के के ट्रक आते हैं गार्बिज उठाने के लिए मैंने गाबेज नहीं उठता तो हमारे ही हीरोज उनसे लड़ेंगे कैन यू इमेजिन तो उस तरह की इतनी चीज़ें आई अभी हम लोगों ने इंटीरियर सिंध में किया है ये चीज़ गुवर आ गया तो फिर हमारी जो टीम की जो हेड है डायरेक्टर uh, प्रोग्राम्स सारे जो सारे डायरेक्टर्स सारे प्रोग्राम्स देखती हैं मदिया तो शी चेंज इट बिकॉज ऑफ कोविड उन्होंने कहा जी सिंध में हम करे थे तो सिंध में हम लोग के हम यही कोर्स करेंगे लेकिन हम टी वी टी वी पर दिखाएंगे तो सिंधी टी वी पर चला वो फिर उसके इंटरवेंशन हुए फिर उसके रेडियो चैनल पर अलग चला फिर बच्चों ने टी वी के थ्रू हमारे फिर कम्युनिटी इंटरेक्शन करने के थ्रू पर कॉमिक बुक्स और हीरोज़ बनाए सो so, कहने का मकसद ये सॉरी मैं मैं मैंने मैंने आपके सवाल को और था जवाब को और दे दिया लेकिन कहने का मकसद यह था कि गलतियाँ बहुत की हैं आप पैसों के पीछे ना जाएं और मैं सही कह रहा हूँ ऑब्वियसली आपको जहन में रखना चाहिए पैसे कहाँ से आएंगे टू बी अ प्रूडेंट बिजनेस मैन और ऑन्टरप्रनियोर यू नीड टू बिजनेस वुमेन यू नीड टू नो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना लेकिन दैट शुड नॉट बी द एसेंस वैल्यू पे फोकस करें वैल्यूएशन खुद बखुद आ जाएगी अगर वैल्यू पे फोकस नहीं करेंगे तो वैल्यूशन नहीं आएगी कि, कि जी मैं आई फंड हाँ. तो, तो, तो तो मैं, मैं, अच्छा है, मुझे सवाल पूछना ही पड़ा और ज्यादा अच्छी बात मिल गई तो एक चीज़ हमने देखी पिछले साल में एक शो आया टर्किश अर्थोकर और जो उसने धूम मचाया पाकिस्तान में और जो पाकिस्तानी मीडिया को लोग देखना छोड़ दिया उसको देख रहे थे उसके पता नहीं कितने सीजन है मैंने अभी तक पर्सनली वैसे देखा भी नहीं मेरी दादी मेरे सारे कज़न्स हमारे घर में छोटी आठ साल की मेरी कज़न है वो भी अब तलवार लेके घूम रही होती है कि अर्तगुल जैसी तलवार लाते वह भी लाती है तो जो जो एक अच्छा उसने लेकिन बहुत कुछ सिखाया अभी अभी मैं रिसेंटली पहली बार ट्रैकिंग किया और टर्की जा के मैं एक पाकिस्तानी ग्रुप के साथ गया और उनको वो जो पागल हुए थे कि भाई होरतुगल के मज़ार पर जाने हैं मज़ार वहाँ कुछ नहीं है कोई कोई देखने की जगह नहीं है बस एक मज़ार बना हुआ है और एक आ, पार्क बना हुआ है कुछ नहीं लेकिन फिर भी इतना टूरिज़्म वहाँ जा रहा है तो लेकिन जो साथ साथ उसने सिखाया इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में सिखाया एक उमर सीरीज़ आई थी उसने इतना सिखाया ये जो सीरीज़ है हाउ हाउ कैन वी यूज़ द मीडिया टू एजुकेट द मासज विद फन क्योंकि मेरे अबू का भी एक प्रोजेक्ट था रेहान स्कूल इफ़ यू नो अबाउट इट तो उसमें हमने यही किया था कि वी आर मेकिंग फनी वीडियोज़ वाइल एट द सेम टाइम यू आर टीचिंग इंग्लिश एंड उर्दू उसमें हमने क्या किया कि एम ये था कि uh, अभिषेक बच्चन आए या अमिताभ बच्चन आए और वो आके सिखाएँ कि जो मीडिया पर है जो जिसको लोग देखना चाहते हैं उसी को देखें लेकिन साथ साथ सीख भी लें जो हमारे क्योंकि उसका जो मिशन था वो ये था कि एक बंदा एक गलत दवाई खा के ना उसका इंतकाल हो जाए कि बेसिक्स ए बी सी डे आए कि वो साइन बोर्ड पढ़ सके हॉस्पिटल जा सके तो हाउ केन वी डू इट के मास मास्स के लिए हमारा पाकिस्तान में इतना मीडिया इंडस्ट्री वाई बहुत बड़ी है यूट्यूबर्स बहुत सारे आ रहे हैं वट कैन वी डू टू टीच द मास्टर्स ठीक है वेरी गुड क्वेश्चन साहब देखें बिहेवियल चेंज थ्रू स्टोरी टेलिंग बहुत सालों से और से और सेंचुरी से ये बात चल रही है और लोग लो प्रूव भी कर चुके हैं और काफ़ी hmm. बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ उस पर पढ़ा भी रही हैं कि आप बिहेवियल चेंज कैसे चेंज कर सकते हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग विजुअल हो ऑडियो की हो लिखी हुई हो स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल बड़े बड़े जो सी होते हैं वो होते हैं दे आर सपोज टू बी गुड स्टोरी टेलर्स मोस्ट ऑफ द कुछ नहीं होते कुछ जो इतने ऑकर्ड होते हैं उन्हीं में उनकी उनकी आप, आप क्योंकि अभी इतनी देर से मुझे मज़ा आ रहा है इसलिए कि यू आर वेरी गुड नहीं बहुत शुक्रिया नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो लेकिन कहने का फर्सदी मैं नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा मैं कहता है कि देखिए बिहेवियर चेंज जो होता है जो वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू होता है अब मैं आपको बड़ी का बात बताऊँ अफ्रीका में जब मैं था तो आपने मूवी देखी भी ब्लड डायमंड नहीं देखी कोई बात नहीं तो वहाँ पर अफ्रीका में क्योंकि काफ़ी वॉर जोन और बड़े मस्ते थे वहाँ पर काफ़ी अर्से hmm. और इट्स अ वेरी यंग कॉन्टिनेंट देखा जाए तो 1960 1960 नाइनटीन सिक्सटी ऑनवर्ड्स उनको इंडिपेंडेंस मिली या सोकॉल इंडिपेंडेंस मिली उन लोगों को तो बड़े उसमें वॉर्श और वॉरिंग ट्राइब्स और काफ़ी मस्ते थे वॉरिंग नेशंस तो उसमें चाइल्ड सोल्जर्स hmm. वो लोग लेते थे और बच्चों को ब्रेन वॉश करके उनको यूज़ करते थे एज सोल्जर्स यानी लियोन और कॉन्गो तो मशहूर हो गया लेकिन बाकी जगहों पे भी hmm. तो नाइजीरिया में काफ़ी जो रेस्क्यू चाइल्ड सोल्जर्स थे उनको रिहेबिलेट कर रहे थे और काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आई हुई थी पूरी दुनिया से एक्सपर्ट जो के उनका काम था उन लोगों से जो जो कंपनी आई हुई थी जो ये आपको रिहेबलेट करने आई हुई थी उनमें से कुछ लोग यूज टू तो स्टे इन स्टेन होटल्स कोई शेरेटन महिला था कोई कहना रहा था तो आई यू इन शेरेटन अबूजा तो दोस्ती हो गई तो उनसे बात करते हुए उन्होंने बताया कि द मोस्ट ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव जो उनको अभी तक जो उनके डिफरेंट उनके जो क्या बोलते हैं उनके तरीक़े हैं उसमें सबसे इफेक्टिव था स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो कैसे उनको रिकनेक्ट करना है कैसे उनमें एम्पथी लेके आनी है इमोशनल कनेक्शन लेके आनी स्टोरी टेलिंग so, स्टोरी टेलिंग हैज़ बीन देयर फॉर लॉन्ग आई मीन स्टोरी टेलिंग हैव ब्रॉट रेवोलूशंस ऑल द वे टू आप रशिया जाके फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आई मीन पोइट्री गाने वॉर सॉन्ग्स आई मीन कहानियाँ लिखत आप देखें अमामा इकबाल आई मीन मैनी मैनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स और हिस्ट्री भरी हुई उससे अच्छा मसला ये होता है कि आपने बात की अर्तुगल की बात की और दो तीन और चीज़ें बातें की तो वो अर्तुगल का तो देखें एक बड़ा अच्छा फार्मूला था एक तो फार्मूला था कि उन्होंने बनाई थी मुस्लिम मेजॉरिटी हाँ। भी बनाई थी सो दे टू शो अ मुस्लिम हीरो कितनी बार वो आप दिखाते रहेंगे कि वो यूरोपियन हिस्ट्री दिखाते रहेंगे आप बड़ी कम यानी कि मैसेपटोमिया यानी कि जो कि टर्की है और ये है उसकी जगह आप देखें आ, बहुत हैं इतनी हैं यानी कि आप आ, आ, मैं कह सकता हूँ कि सेवनटीन सिक्सटीन सेंचुरी से ले कर आप देखें नाइनटीन सेंचुरी तक की जो बहादुरी की कहानी है वह ज़्यादातर भरी हुई हैं यूरोपीन सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न uh, यूरोप uh, की काफ़ी कहानियाँ भरी हुई हैं और uh, कि भाई बहादरी जो क्या थी वॉरियर्स वन ऑफ़ द बेस्ट वॉरियर्स कौन थे वहाँ पे देन uh, मेसनस की आप बात देख लें फिर आप वेटिकन्स uh, के अलग सोल्जर्स थे और आप फ्राम द रोमस टू काटिजीनियंस टू जर्मिक्स टू यानी कि बहुत ज़्यादा थे तो अर्तुकल तो मुस्लिम थे तो हाँ। मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बड़ी है उन्हें लोकल हीरो दिखाया अर्तुकल दिखाया सो so, मैंने तो उसका सब एक सीजन देखा है वो गलती हो गई मैंने एक सीजन शुरू किया वो इतना इंटॉक्सिकेटिंग है तो मैंने कहा भाई इसके तो पचास साठ एक सीजन के एपिसोड हैं हाँ। फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी नेटफ्लिक्स पे जल्दी जल्दी करके क्योंकि जहाँ वो घोड़ों घोड़ों पे आते थे तो मैं जल्दी आगे कर देता था मुझे उनका चल गया था घोड़ों पे तो कम कम से कम दस मिनट घोड़े घोड़े पे होंगे फिर जो जो, जो तलवारों की लड़ाई होगी उसको भी थोड़ा आगे कर कर, कर 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 जल्दी जल्दी करके मैंने खत्म कर लिया सीजन वन उसका मैंने हिम्मत नहीं है देखने की लेकिन पहली बात तो ये कि अर्तुगुल इज इंस्पायर्ड बाय बाय बागुल द स्टोरी देम सेल्फ या डिटेल देम सेल्फ आर आई थिंक मोर ड्रामेटिक मेरे ख्याल से मुझे नहीं मालूम मैंने उसके बारे में हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई तो मैं कुछ कह नहीं सकता मेरे ख्याल से इट्स नॉट दैट फैक्चुअल नहीं बट इट्स एंटरटेनिंग इट गिव्स सेंस ऑफ प्राइड अ मुस्लिम हीरो वो जो हमारे मुस्लिम गोल्डन ईयर्स थे वैन वी वर तो वो हमें एक सेंस ऑफ प्राइड चाहिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए वी वॉन्ट टू बिलोंग सम वे वी वॉन्ट टू कनेक्ट सम वे तो वो बड़ी बहुत बड़ी बात थी दूसरी मज़े का मैं आपको जरा एक बात बताऊँ कि हॉलीवुड पाँच छः साल से दो हज़ार पंद्रह सोलह से आशा था हॉलीवुड बिकॉज इंटरनेट और चीप इंटरनेट चीप डेटा हॉराइज खुल गए हैं नए नए फ्रंटीर्स खुल गए हैं पूरी दुनिया में तो स्टोरी टेलिंग कम से कम अब हॉलीवुड की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रही लोग आगे निकल गए तो पाँच छः साल से आप देखेंगे कि जो हॉलीवुड का जो इन्फ्लुएंस है ना थ्रू स्टोरी टेलिंग वो कम हो गया है बिल्कुल तो तीन बहुत बड़े किंग निकले हैं ड्रामों में निकला है टर्की

द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड में भूल गया बड़ी अच्छी बुक थी उसमें भी उसने ये बोला है तीन निकले किंग्स तो, changes behaviors. तो स्टोरी टेलिंग चेंजेस बिहेवियर्स दस्ता ये इट हैज भी कम्पेलिंग गुड तो हमारे स्टोरी बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में अब और अब, अब बड़े अच्छी चीज़ें आई हैं बीच में नॉट जस्ट उदारी और उदारी तो बड़ा मशहूर हुआ ड्रामा सीरीज आपने देखने देखी लेकिन इट वज़ अ वेरी गुड ड्रामा सीरीज इट वॉज कम्पेलिंग इट वॉज होपफली प्रोवोकिंग एसली सम चेंज इंस्पायरिंग सम चेंज एन अवेयरनेस और इट वॉज ऑल्सो वॉज हिटिंग सम रियली गुड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके अलावा बहुत आए छोटे के बहुत हैं पाकिस्तान में बहुत है लेकिन यानी कि अर्थुकल हो गया और माशाल्लाह बहुत चला तुर्की uh, में इतना ही चला जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम है बाकी जगह बहुत चला है वहाँ पे हम मतलब क्योंकि अगैन पाकिस्तान के साथ घूम रहा था ना तो वो हर वक्त पूछ रहे होते थे किसी भी जगह से इंडियन और अर्थगर्ल्ड इंडियन अर्थगर्द तुमको पता भी नहीं होता था सब तो उतना नहीं चला तो हमारे यहाँ लेकिन क्योंकि अगेन वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपने कहा कि है आम... तो कहने का मतलब ये कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू पावर है हाँ। अच्छा अगर कंटेंट होगा सही जगह पे चलेगा और सही ऑडियंस भी चलेगा विद द सेम राइट लैंग्वेज एंड टोन तो क्यों नहीं चलेगा तो अगेन हाउ हाउ डू वी यूज़ इट टू लेकिन पाकिस्तान में अभी अगर आप केसटडी रखेंगे के पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग मार्केट है और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसमें हम किस तरह जो अभी ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर्स निकल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो नए लोग निकल रहे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह ज़्यादा से सिखा भी सकते हैं आपके ख्याल से देखिए मैं तो उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन यूट्यूबर्स हैं बड़े अच्छे उनकी बड़ी अच्छी फॉलोइंग है टिकटॉकर्स हैं इनकी बड़ी अच्छी फॉलोइंग है हमारी सेलिब्रिटीज हैं उनकी अच्छी फॉलोइंग है तो वो देखिए दे आर डूइंग व्हाट दे विद व्हाट दे डू बेस्ट वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और आई मीन आई एम नॉट दैट एन एक्सपर्ट लेकिन वो देखिए गुड स्टोरी टेलिंग ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग समटाइम इवन विदाउट अ गुड प्रोडक्शन क्वालिटी वर्क्स वेल बिकॉज उतनी ऑथेंटिक होती है उतना उसका कॉन्टेंट उसका मैसेजिंग द व व वे इट इज़ लेस ए डिलीवर्ड इज़ सो स्ट्रॉन्ग क्योंकि चल जाता है तो उसमें मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ बट से कि अगर एक्सपर्ट होता तो मैं बहुत अमीर होता है इसको करोड़ों बिक्री होती है होने वाली है इन वाली है लेकिन स्टोरी डीलर्स हैं हमारे पास अच्छे हैं और अब नए फॉर्मर्स भी आ रहे हैं तो आई मीन हमारे आ, बोले आई फील लाइक हमारे पास इतने सारे कैरेक्टर्स भी हैं ऐसे एक कराची में सिर्फ अगर देखें तो यहाँ हमारे पड़ोसी हैं वाई बी क्यू उनका कॉमिक बने उनकी कहानियाँ हों उनकी जो पोइट्री है उसके ऊपर कॉमिक्स हो बुर्का एवेंजर के साथ अगर हम देखें तो बुरख़ा वॉज आई thought दैट इट was गोइंग into डिक्लाइन के लोगों को लगता था कि बुरखा इज़ मोर towards वर्ड्स अप्रेसिंग वूमन मगर बुरखा एवंचर में हमने देखा कि इट ब्रॉट आउट गुड साइड ऑफ अ बुरख़ा एट द सेम टाइम अब बच बच्च, बच्चे बैंक अकाउंट नहीं खुलवाते थे मगर जब एच का जो उनका मनी क्लब मनी क्लब का आया और उन्होंने इस पर मूवी भी शायद आई थी या कार्टून आया था कार्टून आया था कार्टून, कार्टून, आया कार्टून आया था तो उस कार्टून के थ्रू कितने उनके बैंक अकाउंट खोले मतलब मेरे घर में तो सबके अब वो एच बी एल के अकाउंट उन्हीं दिनों खोले थे तो जो ये चीज़ें हैं जो सिखाने के लिए बहुत अच्छा है अब हाथ किस तरह धोने हैं उस पर कार्टून आ गया से नहीं उसके अलावा उस पर बहुत ही मजेदार एक एनिमेशन आई थी कौन सी वाली कोविड के ऊपर अगर आपको पहले पश्चो हाँ में आई थी कोविड में कोविड के लिए हाथ धोने की फिर वो उर्दू में आई थी एक सर नाम भूल रहा हूँ सच एन क्रिएटिव स्टूडियो मैं मुझे याद नहीं पिशावर कोयटा इस्लामाबाद में वो स्टूडियो है उनकी जो भी टीम है दे व स्पॉट ऑन उन्होंने जो तीन चार एनिमेशन बनाई हैं मुझे नाम मुझे नाम नहीं आ रहा क्या नाम है जोकशा रोशान स्टूडियो कोशान स्टूडियो में भूल गया Uh, बहुत ही अच्छा इट वज इनजीनियस इट वेंट वायरल जिसको इमरान खान ने भी ट्वीट किया I, I might have seen हाँ। वो आजम वाली से नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। एक वो एक पश्चों में है और वो बंदा है और वो कह रहे हैं कि एक नया कोई विलेन आ गया है तो लोग कह रहे हैं बंदूक लो लाला कहते हैं बंदूक ही चाहिए कहते हैं ये लो वो कहते हैं खुलाड़ी लो नहीं चाहिए मुझे साबुन चाहिए साबुन से हाथ धोता है कहते हैं अब मैं कोरोना का वो करूँगा तो इट्स वेरी गुड क्रिएटिव स्टोरी एग्जांपल्स तो बहुत एग्जाम्पल्स बहुत चीज़ें हो रही हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं so इन चीज़ों को अगेन तो स्टोरी टेलिंग वर्ल्ड वाइड लोगों को पता भी है बट इफ़ वी इन्वेस्ट मोर इनटू दैट हमारे क्यू कॉमर्स वाले बिजनेस भी उसके ऊपर भी आ जाए कि अगर इस साल ही कोई 100 मिलियन डॉलर सिर्फ क्यू कॉमर्स में इन्वेस्ट हुए हैं हमारे पास एयरलिफ्ट में हो गए क्रेव मार्ट में हो गए तो एट द सेम टाइम सौ एक मिलियन डॉलर उनकी इन्वेस्टमेंट जाए सिर्फ टू मेक कार्टून ए सी कॉम को हायर करके हम कार्टून <laughs> और मासेस तक वो पैगाम दें कि क्यू कॉमर्स के फायदे क्या है ऑफिस <laughs> बाय रखा है और पंद्रह हजार महीना दे रहे हैं के से सामान मंगा ले तो कितने पैसे बच जाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें <laughs> नहीं नहीं बहुत सी बात है नहीं आपकी बहुत शुक्रिया आपका फॉर दिस आपने दिल खुश कर दिया देखिए जो क्विक कॉमर्स है या क्यू कॉमर्स जो भी है देखिये अभी उस, कुछ पे कल भी एक, एक से बात हो रही थी मैं किसी को बता रहा था कि देखें वीसी वहां पैसा डालेगा जहां पे धंधा है जहां उसको पैसा मिलेगा वो तो वहीं डालेगा ना जहाँ पे उसको हाई ग्रोथ मिल रही है हाँ। वो वहां थोड़ी तो डालेगा यानी कि या तो हो एक बहुत ही उनका बिजनेस बढ़ेगा उस तरह हाँ। के तौर पर पैसे कहने का मतलब ये कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है जो क्यों कॉमर्स में आ रही है तो आप वहां पे क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है बिकॉज उनका मौकफ नहीं है उनका उनका जो काम है दे अलाइंट लॉजिस्टिक्स या फिनटैक या ई कॉमर्स अगर उनको पैसा बनाना है उन्होंने भी लोगों से फंड्स लिए हुए हैं इन अ बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी ठीक है इम्पैक्टिंग लाइफ्स और वो सारी बातें अच्छी हैं और ज़रूरी हैं लेकिन एंड ऑफ द गेम देव टू मेक मनी डेट फायदे एग्जिस्ट अगर किसी और चीज़ों में करनी है स्टोरी टेलिंग में जहाँ पे पेशेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वहाँ पर ऐसा ल, ल, ऐसे इन्वेस्टर्स होने चाहिए जो कि वो उसी स्पेस uh, में इन्वेस्ट करते हो। हों हाँ. uh, साथ साथ उस पर गवर्नमेंट का काम भी है गवर्नमेंट का काम भी है कि वो उसमें बेसिकली स्कूलों में ग्रेट uh, uh, कहानियाँ बन रही हैं यानी कि यंग जवान लोग और और कॉलेज में इनके दे हैव कंटेंट। और आज के जमाने पर ऐसा ज़्यादा नहीं चाहिए आपको आई यू नीड इंटरनेट एंड नीड मे बी अ कैमरा लाइक लुक एट यू इंजीनियर्स आप दो आई से रिकॉर्ड uh, कर रहे हैं बैकग्राउंड है, नहीं है। <laughs> इससे अच्छी चीज़ क्या चाहिए तो आ, तो थोड़ी सी इनके इनके स्कूलों में भी थोड़ा बहुत स्टोरी टेलिंग की कोई कोर्सेज हों कोई एक्सपेरिमेंट्स हों एंड पीपल कैन मेक मनी गिग इकोनमी इज सो बिग आपने एन की बात की आपने वेब थ्री की बात की आई मीन अभी दुनिया पूरी खुल रही है बिल्कुल और हम तो इतने लकी हैं मैं कहता हूँ हम इतने लकी हैं कि मैंने और आपने हमने सिर्फ स्पेनिश फ्लू पढ़ा था हमने देख भी लिया वी लिव्ड इट कोविड के थ्रू और डॉट कॉम जो बूम आया थे उस वक्त मैं था जवान था लेकिन अकल नहीं थी मेरे में आप लोग तो माशाल्लाह इतनी इतनी उम्र में माशाल्लाह यू गैज डूइंग सो मेनी थिंग्स मुझे तो होश ही नहीं था कि बस याश ही करो बस तो डॉट कॉम बूम मैंने मिस कर दिया अब आप देखें वेब थ्री पॉइंट वो आ रहे हैं सो आई थिंक आर रियली लकी जनरेशन दैट यू गोना सी सच स्ट्रॉग एंड क्या बोलते हैं इम्पैक्टफुल एवोल्यूशंस जो कि हमारा वे ऑफ लाइफ चेंज कर देगा तो 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 यानी कि लोग कर रहे हैं काम उनको इनेबल कर दें बस उनको छोड़ दें भाई उनको थोड़ा सा पैसे दें उनको समझाएं इनेबल करें दे आर सम ग्रेट स्टोरी टेलर्स और आप देखिएगा कि थ्रू वेब थ्री पॉइंट ओ तो टिकटॉक ने कितने नए स्टोरी टेलर्स को लेके आए कितने नए मशहूर लोगों को लेके आए जो कि दे बी हर्ड उनकी वॉइस टू बी हर्ड तो मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं कहीं गया हुआ था तो ऐसी हम एक स्कूल में गए हुए थे एक हाई एंड स्कूल में गए हुए थे तो मैं किसी से बात कर रहा था स्टूडेंट से तो कहते नहीं जी टिकटॉक नहीं टिकटॉक इज यानी कि देसी है इज मोर बन कबाब स्टाइल वी आर लाइक यू बिलो आस लेकिन उनको पे समझाया मैंने बोला कि ये देखें कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं लुक वॉट कैन यू डू वट दे आर डूइंग आई मीन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिलियन ऑफ आई बॉल्स मिलियन ऑफ पीपल हु कैन सी हेयर एंड वॉच वी लुक एट ऐप्स लाइक वीगो hmm. ऐसी जो लाइव स्ट्रीमिंग एप्स है जिसका हमने मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी कराची की भी चल जाए चाहे वो मिडिल क्लास वाली यूनिवर्सिटी की नहीं उधर भी लोगों को नहीं पता होता है ऐसी लाइव स्ट्रीम एप्स का hmm. लेकिन उधर कितना उनके पास बड़ा डेटा बेस है कितने बड़े इतना ज़्यादा यूजर्स hmm. हैं और सब एक एक रुपये देते हैं hmm. अब वो एक एक रुपये से जो लाइव स्ट्रीम जो भी कर रहा है वो हाउ मच ही इज़ अर्निंग तो इतनी सारी चीज़ें सारे डोमेन्स अब खुलते जा रहे हैं अगेन हमारा क्योंकि जो पाकिस्तान पिछले एक साल में हुआ है कि वी गॉट फिफ्टी मिलियन न्यू फोन स्मार्टफोन्स इन इनह तो अब जो होना है जो फट के लोगों ने आना है डेटा उनको चाहिए कॉन्टेंट तो वो कॉन्टेंट बिल्कुल वो आएगा देखिए वो आएगा थोड़ा सा मेरे ख्याल से देखें मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ना ही मुझे पॉलिसी लेवल की कोई कोई एक्सपीरियंस है ना मुझे ज़्यादा फिनटेक के बारे में मालूम है ना मुझे आ, ये जो मोबाइल की जो मोबाइल की, की जो इंडस्ट्री है या डेटा प्रेजेंटेशन की मुझे कुछ नहीं मालूम लेकिन एक तो थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं कि देखें अभी मैं देख रहा था कि जी मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया तो भाई ये पहले ज़माने में रोडें थी गवर्नमेंट हाँ। रोडें बनाती थी और इंफ्रास्ट्रक्चर देती थी आपको एक इंसेंटिवाइज इंसे, 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 आपको एक स्कीम बना के देती पॉलिसी लेवल पे एक तरह के रोड मैप बना के देती थी आपको पॉलिसी लेवल पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना के देती थी और बिजनेस वुड देन फ्लरिश क्योंकि आपने एक्सेसिबिलिटी दे दी है आपने रोडें दे दी हैं आपने पावर दे दी है आपने आपने ऐसे पानी दे दिया है चीज़ें दे दी हैं और आपने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बना दिया है आज के ज़माने में जो रोडें हैं वो रोडें नहीं है वो फ़ोन है और डेटा मोबाइल है इंटरनेट है आप इंटरनेट और मेरे ख्याल से अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एंड आई एम श्योर मैं टोटली रॉन्ग होगा लेकिन एज अ ले मैन आई वुड से कि भाई आप फोन इंटरनेट को टैक्स फ्री कर दें टैक्स फ्री मतलब फ्री बांटने चाहिए हम लोग बांटते तो हैं आप तो बांटते हैं आपकी बड़ी बात है आप माशा इतने बड़े नहीं। नहीं। आप गोदाम हैं आप गवर्नमेंट जैसे फ्री बना दें आप कम से कम फोन पे टैक्स छोड़ दें डेटा पे टैक्स निकाल दें क्योंकि इतने मज़ेदार जो सोल्यूशन लोग बना रहे हैं प्रॉब्लम को दिक्कत बना रहे हैं नया स्टार्टअप्स काम ख़ुद ही फ़ोन पे आएगी लिफ्ट हो या बाजार हो या ताजर हो या जो भी हो सादा पे हो से पे हो किस पे हो विद आ क्यू किस पे हो विद अ के जो भी हो पीपल अगर आप उनको सोल्यूशन आप दे रहे हैं जो उनकी प्रॉब्लम हल कर रहे हैं और कन्वीनियंस दे रहे हैं उनको तो लोग फोन यूज़ करेंगे डेटा यूज़ करेंगे गवर्नमेंट के पास ज़्यादा बिकॉज वो चीज़ें रोडें खोलेंगे और सोल्यूशन आएंगे लोग और एक्सेसिबल होंगे उस चीज़ के इवेंचुअली तो गवर्नमेंट मेक मोर मनी क्योंकि बाकी जो स्टार्टअप हो या सोल्यूशन लॉजिस्ट या ई e कॉमर्स या क्यू कॉमर्स सोल्यूशन लेके आएंगे लोग उनको यूज करेंगे जितना यूज करेंगे लोग उतना होंगे। उतना होगा, उतने टैक्स भी आएंगे और लोगों की एम्प्लॉयमेंट भरेगी मेरे ख्याल से फोन और डेटा तो अच्छी आपने ऐसी बात की, की तो मेरे जहन में थी कि भाई ये टैक्स बढ़ा रहे हैं आप लैपटॉप पे टैक्स लगा दिया बट लैपटॉप पर क्यों टैक्स लगा दिया भाई आप लैपटॉप इज़ अ कॉन्ड्यूट और उसके थ्रू आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं यानी कि आप इट्स अ टूल जैसे बोलते हैं ना कि आपने हथौड़ा वो देना है तो लैपटॉप इज़ अ टूल फोन इज़ अ टूल एंड अ डेटा इज़ अ टूल तो, तो एनी वे मैंने कहा कि आ, नहीं, नहीं आपका शुक्रिया भाई मैं आपसे अब आपसे दो दो तीन सवाल कर लूँ ओके ये माशाल्लाह आपने इतनी यंग उम्र में ये कैसे कब स्टार्ट किया ये आ, ये आपको पूरा स्टूडियो देखा मैंने सारा आपने अपना को वर्किंग स्पेस बनाई हुई है वो लकड़ी इतनी प्यारी पुरानी लकड़ी कितने साल पुरानी लकड़ी है डेढ़ सौ साल पुरानी लकड़ी को आपने आपने उसको सही करके प्यारा बना के साफ सुथरा करके उसको रिहेबिलेट करके आपने उसको दोबारा लगाया हुआ है दरवाजों में लगाया हुआ है इतनी पर्सनैलिटी इतना ब्यूटीफुल चीज़ आपने बनाई हुई माशा और आपने अपने हाथों से बनाई है लकड़ी छकड़ी लेके काट सारी काटी खुद ही पॉलिश की बिल्कुल तो उसका भी एक वीडियो बना के डालेंट आपने, आपने, डाल हाँ, और जो हमें फ्री हैंड दिया कि और हमें हर बार ये सिखाया कि कुछ भी सवाल है अच्छा यूट्यूब कर लो अच्छा गूगल कर लो मुझसे नहीं पूछो मुझे नहीं पता गूगल कर लो ऑथेंटिक सोर्स authentic पे जाओ उससे पूछो आपस में कप्पे लाने का फायदा नहीं है जो चीज़ तुम्हें गूगल मिल जाएगी वो तुम किसी से भी पर्सनली लोगों से ले भी नहीं सकते तो अगेन मुझे जैसे दर दरवाजा भी आप देखे रहे थे आपने एडमायर किया उसका भी यही हुआ कि मैंने कहा दरवाजे बड़े महंगे हैं YouTube पर दरवाजे कैसे बनता है उसी दिन गया हूँ लकड़ी लेकर आया हूँ आई गॉट द डोर मेड फॉर वन फोर्थ द प्राइस जो मुझे टिपिकली मिलना था गॉट दर्थन यहाँ पे साउंड प्रूफिंग खुद करी खुद ये पूरी लकड़ी खुद बनाई उसकी कपड़ा खुद लगाया तो फुल ले कर आए तो वो रद्दी वो कच्चे में कहीं फिके हुए थे वो मिल गए वो लगा दिए फोम तो इस तरह चीज़ें Uh, मगर उसका जब आप लकड़ी बना रहे थे दरवाजे बना रहे थे आपने उसका यूट्यूब वीडियो बनाया हाँ, वेरी गुड तो ओल्ड दरवाजों के बना हुआ है वेरी गुड मैं देखूंगा जाके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हमने काफी ज्यादा आपका भी टाइम ले लिया मेरे साथ बहुत मजा आया बहुत शुक्रिया मुझे बहुत तो मजा आया मुझे मज़ा आया आपने जो मुझे राउंड दिया ना सॉरी आपने जो राउंड दिया आपने बताया कि मैंने बनाया अपने हाथों से मैंने ये किया मैंने वो आई वॉज रियली कि आपको बनना चाहिए मुझे नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो मैं आपका रिव्यू लूंगा नहीं नहीं बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत शुक्रिया आने के लिए एंड um, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात तो हो बिल्कुल होगी मुलाकात